तो आज हम बात करते हैं ये रिश्ता क्या कहलाता है के सीरियल के फेमस किरदार के बारे में। जी हाँ, हम बात करने वाले हैं नैतिक की माँ और अक्षरा की सास का रोल निभाने वाली सोनाली वर्मा के बारे में, जिनका करेक्टर नेम था गायत्री सिंघानिया। बहुत कम लोग हैं जो इनके रियल नेम मीन्स सोनाली वर्मा के नाम से इनको जानते भी होंगे। स्टार प्लस का ये रिश्ता क्या कहलाता है एक ऐसा सीरियल है जिसने हर किसी के दिलों में अपनी जगह बना ली है। इसका हर एक करेक्टर काफी ज्यादा पॉपुलर है। इनकी नेशनलिटी की अगर बात करें तो पहले इनकी नेशनलिटी थी इंडियन, लेकिन बाद में ये अपने हस्बैंड के साथ यूएई में शिफ्ट हो गई थी। फिलहाल इनकी नेशनलिटी है अमेरिकन। इनकी शादी हुई थी 2014 में। इनके हस्बैंड का नाम है सचिन सचदेवा। सोनाली वर्मा एक्टिंग में आने से पहले एक न्यूज रीडिंग में काम करती थी। ये काफी सारे बड़े चैनल और नामी चैनल के लिए न्यूज रीड करती थी। उसमें एक चैनल स्टार न्यूज चैनल भी था। उसके बाद उन्होंने टीवी पे डेब्यू किया। इनका डेब्यू हुआ स्टार प्लस के ये शो क्या कहलाता है में गायत्री सिंघानिया का रोल से, जो कि इनका लाइफ चेंजिंग करेक्टर बन गया। इनके इन किरदार की वजह से आज भी फैन इनको इनके इसी नाम से जानते भी हैं। इस सीरियल को सोनाली वर्मा छोड़ना नहीं चाहती थी, लेकिन लगातार 5 साल काम करने के बाद इनको ये सीरियल छोड़ना पड़ा, क्योंकि इनको इनके हस्बैंड के साथ यूके में शिफ्ट होना था। सोनाली वर्मा इस शो को खुद काफी ज्यादा मिस करती हैं और अपने ट्विटर अकाउंट के जरिए इस फीलिंग को जाहिर भी करती हैं। यही मेन रीजन था कि इनको ये रिश्ता क्या कहलाता है को छोड़ना पड़ा था। जब इन्होंने ये रिश्ता क्या कहलाता है को छोड़ा था, तब इनको काफी ज्यादा बड़ी पार्टी दी थी और बहुत सारे गिफ्ट भी मिले थे, और सीरियल की कास्ट की तरफ से इनको एक कोलाज भी दिया गया जिनकी इनकी 5 साल की जर्नी के सारे फोटोज थे। ये थी सोनाली वर्मा की रियल लाइफ के बारे में हमने आपको बताया। वेल, आपको ये जानकर कैसा लगा हमें नीचे कॉमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। वीडियो जरा सा पसंद आया हो या किसी भी रीजन में अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें। मोर अपडेट के लिए मेरे चैनल को मीन्स वीरा की दुनिया को सब्सक्राइब कर दें। हाँ, आप सोनाली वर्मा को जानते थे उनके रियल नेम से या नहीं जानते थे, आप उनके कितने बड़े फैन थे वो भी हमें कमेंट बॉक्स में लाजमी बताइएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाय बाय।